बाबा एक प्रश्न इसमें बीते आया है कि 1976 में भारत से विकारों और भ्रष्टाचारों का अंत हो गया ऐसा लिखा है, तो क्या राम वाली आत्मा 1976 में संपूर्ण बन चुकी है? और यदि नहीं हुई है तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि बाप दादा बच्चों के लिए रुके हुए हैं? बच्चों के लिए रुकना अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए रुकने लिया तो अच्छा ही है, लेकिन जो शूटिंग चल रही है उस शूटिंग में बाप का भी पार्ट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हीरो पार्ट भी रहना चाहिए। तो उस हिसाब से बताया है कि भारत में से बच्चा क्या है, भारत माता कहा जाता है, भारत पिता तो नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? तो भारत माता का जहाँ तक सवाल है तो उसमें तो निकालना और भ्रष्टाचार का अंत हुआ ही पड़ा है। 63 जन्मों में भी यहाँ औरों के मुकाबले तो ज्यादा ही रहा। तो राम वाली आत्मा के लिए भी ये कहेंगे कि 1976 में उनके को भारत माता थोड़ी कहा जाता है, उसको भारत कहा जाता है क्या? हाँ समझा जा सकता है कि भारत माता है तो पिता भी होगा, पिता तो सारे विश्व पर है, सिर्फ भारत का तो वही है। पहले भारत को निर्विकारी बनना है या विश्व को निर्विकारी बनना है? भारत को ही बनना है, भारतवासियों को ही बनना है। विदेशी तो क्योंकि भाषा को ही ग्रास नहीं कर पा रहे हैं। और 63 जन्मों का हिसाब किताब भी देखा जाता है, 63 जन्मों में ज्यादा पतित कौन बना है? भारतवासी ज्यादा पतित बने हैं। तो राम वाली आत्मा तो भारत माता में वास करने वाली है, क्योंकि मातृ प्रधान देश है, ये सन्यासी तो है नहीं। राम कृष्ण अवतार हैं वो मानवीय अवतार हैं, और जो दूसरे अवतार हैं वो तो और हैं, तो उनमें तो प्रवृत्ति मार्ग की बात ही नहीं पक्की होने की। और प्रवृत्ति मार्ग तभी पक्का हो सकता है जब माता को आगे रखा जाए। तो माता तो आखिरी जन्म में भी 500 पढ़ के मुकाबले ज्यादा ही नहीं कही है, और पहले तो साक्षात्कार भी नहीं होते थे, कुछ विकारी भावना की तब, और जब से वो अपनी स्टेज तो पक्की हो गई तब से तो साक्षात्कार भी होना शुरू, भावन बहलाना शुरू कर दिया। ऐसे तो रुद्रमाला जी बच्चों से भी कहा अंत में तुम सबको बहलावेंगे, साक्षात्कार कराते रहेंगे। तो पवित्र आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं या पवित्र आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं? पवित्र आत्मा है तो इसलिए साक्षात्कार हुए, बाबा बहलाते रहे, अभी भी बहला रहे हैं। ज्ञान भला नहीं है, ज्ञान तो रुद्रमाला की आत्माओं में है, ज्ञान की उनको दरकार है जो ज्यादा विकारी होते हैं। कल ही मुरली माया राम वाली आत्मा तो सबसे जास्ती विकारी है जिसमें प्रवेश करते हैं, पतित तल कामी काटे में आते हैं। तो राम वाली आत्मा की बात कहां से आगे बढ़ी, उसको तो अंत तक पार्ट बजाना है। विनाश जो है विनाश का कार्य इम्प्योरिटी से होता है, प्योरिटी से नहीं होता, पवित्रता से होती है स्थापना, इसलिए कन्या माताओं को आगे किया हुआ है। भाइयों को क्यों नहीं आगे कर दिए? ब्रह्मा को आगे कर देते दाढ़ी मूछ वाले, उनको भी आगे नहीं किया गया, वो भी स्त्री संचाली तब करके गेट खुलेंगे। तो यहाँ भारत शब्द आया है वो भारत माता के लिए आया है, और माताएं ही हिम्मत करेंगी तो पुरुषों को आगे बढ़ा सकती है।
अन्याय माता हिम्मत नहीं करेंगी तो कोषों में दम नहीं है, तब दंडो दंडो शासन है। राम वाली आत्मा भी है टू जेड गलत क्या कहा बाबा ने, भारत में जो भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है, अंत हुआ है तभी तो साक्षात्कार होना शुरू हुए, पहले क्यों नहीं होते थे। और एक और प्रश्न यह है कि ब्रह्मा बाबा को धर्मराज कहा गया है तो क्या 1969 के बाद उनको कोई किसी प्रकार की सजा नहीं मिलती है? सजा शरीर के द्वारा मिलती है कि बिना शरीर की मिलती है? शरीर के द्वारा ही, उनका तो शरीर ही नहीं है, सूक्ष्म शरीर है वो भी, जब तक परिपूर्ण संपन्न बीज रूप स्टेज में न बन जाए तब तक धर्मराज का कार्य शुरू नहीं होगा, उसी आत्मा के लिए सारा काम रुका हुआ है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। और एक और प्रश्न आया है कि टीवी केस कहते हैं कि हमको यही संगम युग पर मन बुद्धि से परम धाम जैसी स्टेज धारण करनी है, तो फिर वो ऐसा क्यों मानते हैं कि आत्माएं स्थूल परम धाम जरूर जाएंगी अंत में, चाहे वो एक सेकंड के लिए? आत्मा स्थूल है, आत्मा तो स्थूल नहीं है, आत्मा स्थूल नहीं, लेकिन स्थूल सही धारण करती है। धरती पर परम धाम उतार लेंगे तो मतलब है कि शरीर रहते ही निराकार स्थिति जिन बच्चों की बनेगी वो संगठन में होंगे, और इस धरा पर ही वो संगठन होना चाहिए, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा तीर्थ तो झूठे झूठे तीर्थ मनुष्यों ने बनाए हुए हैं, भगवान किस तीर्थ की घोषणा कर रहा है, कौन सा तीर्थ है सबसे बड़ा दुनिया का? आबू, तो माउंट आबू है वो दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। तो तीर्थ तो तभी होगा जहाँ किनारे पर पहुँच करके आत्मा ऐसा स्थान ग्रहण करें जहाँ से उनको मुक्ति की अनुभूति हो, पहुंचते ही उनकी दशा बदल जाए मानसिक, तभी तो तीर्थ कहा जाएगा, प्रैक्टिकल तीर्थ कैसे कहा जाएगा। अभी भी जब हम याद में बैठते हैं बेसिक में तो स्पेशल याद करते थे परम धाम की, तो अवस्था निराकारी बनती थी, निरंकारी निरहंकारी बनती थी या नहीं बनती थी? बनती थी, और वो तो साकार परम धाम होगा। हाँ तो सारे विश्व को वाइब्रेशन मिलेंगे। फिर वो ये पूछ रहे हैं कि जो सूरज चांद सितारों के भी पार जो परम धाम है वहाँ आत्मा को जाने की जरूरत क्यों पड़ती है, जब हम परम धाम को यही इसी सृष्टि पर हम उतार लेते हैं? सब थोड़े ही उतार लेते हैं, मेरे बच्चे उतार लेते हैं, तुम बच्चे जो सामने बैठे हैं वो बच्चे या सारे उतार लेते हैं? तुम बच्चे किसको कहा? जिनको बाबा इमर्ज करते हैं। इमर्ज क्यों करते हैं? वो सन्मुख थोड़े ही होते हैं, बाबा का बाबा इमर्ज होकर के आते हैं या प्रैक्टिकल में आते हैं? प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में बच्चे नहीं होते हैं? होते हैं। तुम कहा ही जाता है सन्मुख वालों को, तो जो सन्मुख होकर के बच्चे रहते हैं उन बच्चों के लिए बात बोली गई है, तुम बच्चे परम धाम की सृष्टि पर उतार लेंगे जो आत्म की स्थिति निश्चित हो जाएंगे इसी सृष्टि पर। जो इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा अपन को नहीं समझते हैं, देवान में रहते हैं, नास्तिकता चढ़ी हुई है, या दूसरे दूसरे धर्मों पर विश्वास करते हैं, बाप की बात को नहीं समझते हैं, तो वो तो देहाभिमान में रहेंगे, देहाभिमान में रहने वाले परमधाम का उतना महत्व कैसे देंगे? उनकी बात है ही नहीं, दुनिया वालों की बात थोड़ी है, दुनिया भी आत्माओं को तो उस परम धाम में जाना ही है शरीर छोड़ करके, धर्मराज सजाएं खाके। लेकिन राम वाली आत्मा के लिए भी कहा जाता है कि एक सेकंड के लिए भी वो जरूर जाएगी। बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? तो वो उनका ये पूछना है कि वो एक सेकंड के लिए भी जाने की जरूरत क्या है उस परम धाम में? जब विश्व का पिता है तो वो आगे आगे नहीं होगा?
हाँ, इन लोगों के प्रश्न इसलिए होते हैं कि बेसिक नॉलेज को नहीं मानते, मुर्गियों को नहीं मानते, बाबा के बनाए हुए चित्रों को नहीं मानते। नहीं तो बिहार के चित्र में शंकर का चित्र स्पष्ट दिखाया हुआ ऊपर कि सब आत्माएं जा रही हैं, शंकर के साथ जा रही, आकार ही उसके दिखाएगी शंकर की। ये प्रश्न की श्रृंखला तो ऐसे है जैसे रावण के तीर, तो ये निकलते ही रहेंगे अंत तक, जब तक नारी कुंड में बाण नहीं मारता। नारी कुंड में 16,000 नारियां जुड़ी हुई है, और विजय माला जब निकलती है तो प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जाता है। प्रत्यक्षता तो होता है। हाँ बोलो। एक और प्रश्न ये आया कि पालड़ी सेवा केंद्र जो है सभी सेंटरों का बीज रूप है, ठीक है, और यह ऐसा सेंटर है जिसमें ब्रह्मा बाबा ने अपने यज्ञ के धन से स्थापित किया, और जिसके साथ त्रिमूर्ति में से दो मूर्तियां अर्थात राम वाली आत्मा और वैष्णवी देवी की आत्मा जुड़ी हुई थी। फिर ऐसा सेंटर बंद क्यों हो गया जबकि बाकी सब सेंटर भरपूर रहे हैं? इतिहास में सोमनाथ मंदिर को विदेशियों ने गिराया या नहीं गिराया? तो इतिहास की शूटिंग यहाँ होती है या नहीं होती है? होती है। तो प्रश्न खत्म हो गया। सोमनाथ मंदिर इतिहास में ये दिखाया गया है ना, विदेशियों ने आकर के आक्रमण किया और उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया, तो वही आत्मा है शूटिंग करने वाली, राजा विक्रमादित्य की टोल ब्रह्मा बाबा, उन्होंने ही स्थापन किया, तो टाइम आने पर गिराया नहीं जाएगा? गिराने की भी शूटिंग होती हुई। एक और बात इससे अभी ध्यान में ये आई कि उस समय द्वापर युग में जब स्थापन किया था तो उस समय ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो विक्रमादित्य थी, और राम वाली आत्मा के लिए बताया जाता है कि वो उनको सलाह देने वाली थी उस समय, पढ़ाई पढ़ाने वाली। तो ये जो जैसे अभी पालड़ी सेवा केंद्र के साथ संगम युग में वैष्णवी देवी की आत्मा जुड़ी हुई थी, तो क्या उस समय भी द्वापर युग में भी वो सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई थी? द्वापर युग शुरू कब से मानते हैं? शूटिंग में द्वापर युग शुरू कब से मानते हैं? शूटिंग में तो जब से कृष्ण वाली आत्मा की प्रत्यक्षता होती है 88-89 में है। बेसिक नॉलेज के बताओ, जब वो तो की चार अवस्थाओं की शूटिंग हुई उस समय द्वापर युग की शूटिंग हुई या नहीं हुई? हाँ जी हुई। वो तो 1969 में जो शूटिंग हुई है उसी समय रावण शुरू हुआ, उसी समय विदेश में वो पहला सेवा केंद्र खुला, विदेश की सभ्यता की शुरुआत हुई ब्राह्मण की दुनिया में, तो उसी समय दोनों आत्मा मौजूद थे। परिपक्व स्टेज में था और उसमें पहले मंदिर बनाया जाता है, फिर मंदिर में मूर्ति स्थापन की जाती है या शिवलिंग स्थापन किया जाता है, ऐसे थोड़ी कि मंदिर बनने के साथ ही स्थापन हो जाता है। 66 में स्थापना मंदिर की हुई, मंदिर बना, और 69 में वो लिंग स्थापन किया जाता है, शंकर की मूर्ति स्थापन की जाती है। मतलब उस समय जब विक्रमादित्य थे तब भी क्या वैष्णवी देवी की आत्मा उस समय उनके साथ जुड़ी हुई थी? वैष्णवी देवी न लिंग है न हीरा है और न शंकर की मूर्ति है, वो तो आधार है, आधार मंदिर को कहा जाता है, मंदिर है आधार जिसमें वो मूर्ति और लिंग रखा जाता है, तो मंदिर पहले होना चाहिए ना, इसलिए मंदिर पहले बना। क्या करते हैं? और एक और प्रश्न ये है कि आदि पुरुष और परम पुरुष कौन है? पुरुष किसे कहा जाता है? आत्मा को। शरीर की पूरी में जो सोता है उसे पुरुष कहा जाता है, तो जो सोने वाले हैं, सहन करने वाले हैं, आराम करने वाले हैं,
जो भी आत्म है उनमें शयन करने वालों में अव्वल नंबर कौन है? अव्वल तो प्रजापिता की आत्मा उसी में शिव प्रवेश करते हैं। शिव के प्रवेश करने का लक्ष्य क्या है? भक्ति मार्ग चलाना या ज्ञान मार्ग चलाना? ज्ञान मार्ग चलाना। तो ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डाला गया तो आदि पुरुष प्रजापिता वाली आत्मा को कहेंगे। इसलिए ज्ञान के आधार पर आदि पुरुष कहेंगे, भक्ति के आधार पर सुनने और सुनाने का कार्य जिसके द्वारा हुआ उसको कहेंगे। तो परम पुरुष शिव बाप के लिए कहा जा सकता है? वो सोता है पूरी में सोता है नहीं तो जागता ही रहता है। और एक और प्रश्न ये आया, कर्म शब्द तो यूज ही उसको इसके लिए कहा जा किया जाता है जिसकी दूसरों से भेंट हो, तो सेवालों की भेंट किसी को नहीं की जा सकती है। एक और प्रश्न ये आया है कि राम और कृष्ण वाली आत्मा के लिए कहा गया है कि कभी तू मेरा बाप कभी मैं तेरा बाप, और संगम में राम द्वारा कृष्ण को जन्म देने की बात का तो प्रूफ है कि आदि में जो है उन्होंने जन्म दिया साक्षात्कारों का अस्त्र उनके द्वारा बताकर, लेकिन कृष्ण वाली आत्मा द्वारा राम को जन्म देने का प्रूफ कहाँ है संगम युग में? ये पिछली बात की बात है ना, त्रेता युग की शुरुआत में राम का जन्म बताया गया भक्ति मार्ग में। त्रेता युग की शुरुआत कब होती है? जन्म माने क्या है? जन्म माने प्रत्यक्षता, और प्रत्यक्षता जो होती है वो स्वयं आत्मा अपनी प्रत्यक्षता जो पूरी करती है, जो सर्विस करने वाले हैं वो प्रत्यक्षता करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष कब होता है? पीपल के पत्ते पर अंगूठा टूटते हुए कब दिखाया गया? उस समय विवेकी लोग निकले ना, उसी समय प्रत्यक्षता हुई। ब्रह्मा की सोलह एक साल तक वहाँ माउंट आबू में आए भी नहीं, तो उस तरीके से कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा राम का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। वैसे प्रैक्टिकल में जहाँ तक साकार में देखा जाए वो तो इस्लाम धर्म की आत्मा निमित्त बनती है प्रत्यक्षता की, जिनको यशोदा और नंद बाबा कहा गया है। विदेशी है या स्वदेशी है? वो विदेशी याद संप्रदाय है, विदेशी है, उनके द्वारा प्रत्यक्षता हुई मैंने पालना हुई। लेकिन इंस्पिरेटिंग पार्टी तो शुरुआत में पहली आत्मा तो ब्रह्मा बाबा को ही चाहिए। बात ही बच्चों की इंस्पिरेट करता है। एक और प्रश्न यह है कि भक्ति में राधा को कृष्ण से बड़ा क्यों दिखाया गया है? ज्ञान में तो कहते हैं कि राधा कृष्ण का स्वयंवर होता है, लेकिन भक्ति में उनका स्वयंवर कभी दिखाया नहीं गया है। बड़ा इसलिए दिखाया गया कि वो ज्ञान में पहले आती है, बेसिक ज्ञान में। अच्छा, तीन वर्ष चार वर्ष बड़ा दिखाया गया है भक्ति मार्ग में। ज्ञान में तीन चार वर्ष पहले आती है, लेकिन भक्ति में उनका स्वयंवर क्यों नहीं दिखाया गया कभी भी? रुक्मणी वगैरह के साथ तो कृष्ण का विवाह दिखाया गया है, लेकिन राधा के साथ विवाह नहीं दिखाया गया है। तो बाबा ने बताया की बात, सब बातें लोगों को थोड़ी पता है, हिस्ट्री में मनुष्य को थोड़ी पता है, शास्त्रकारों को हर बात थोड़ी पता है। शास्त्रकारों को तो ढेर सारी बातें पता ही नहीं है, ये तो बाबा ने हम बच्चों को आकर के बताया है। राधा कृष्ण का स्वयंवर होता है, स्वयंवर की जो बात है वो सच्ची चीज हो रही है, तो स्वयंवर में यही की बात है समझ लीजिए।
और एक और प्रश्न जो है विदेशियों का है, ये कि भारत सबसे गरीब बनता है ऐसा मूवियों में आया है, लेकिन वास्तव में अभी की परिस्थितियों के अनुसार हम देखें तो भारत तो काफी उन्नत है और अफ्रीका हमें के अभी देश। अभी शूटिंग का कार्य जो है आगे नहीं बढ़ा है। शूटिंग के हिसाब से पूछ रहे हैं या वैसे पूछ रहे हैं? नहीं वैसे मतलब 5,000 साल के ड्रामा के हिसाब से जो है। अंतिम 2,500 साल में भारत सबसे गरीब नहीं बनता है, विदेशों से भीख नहीं लेता है। वो तो लेता है तो। जब शुरुआत में भीख लेता है, बाद में आगे बढ़ता है। जब बाबा आ जाते हैं फिर भी पीछे रहेगा। बाबा आ जाते हैं, जब भगवान इस सृष्टि पर आ गया तो आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा? आगे बढ़ेगा। संस्कृति तो जो गति थी विदेशियों का शासन था, 47 साल भी रहा, सब गरीब था, दास दासी था। हम हमेशा आधार दास ही बना रहेगा क्या? वेल तो प्रिंस नहीं बनेगा है? अशोक कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है। उनका छत्तर में गरीब बैगर फिर हमेशा बैगर ही रहेगा क्या? 5-year plan पूरा नहीं होता है, बैगर रहेगा फिर 5-year plan पूरा होने के बाद? वो गवर्नमेंट के 5-year plan तो ऐसे ही चलते रहते हैं, फिर भी उनमें तरक्की तो हो रही है ना? ऐसे ही है। कुछ विदेशियों का ये भी प्रश्न है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी धर्म हैं जिनको फॉलो करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनको कल्प वृक्ष में नहीं दिखाया गया है, तो वो हैं किसके फॉलोअर? उनकी शुरुआत ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन तो सभी धर्मों की 4 ही मुख्य धर्मों से है। निकले तो इन्हीं में जो से विदेशी हैं उनमें 3 ही मुख्य हैं, इस्लामिक बौद्ध क्रिश्चियन, उन्हीं से तो निकले, बाहर से कहाँ से निकले? और एक और प्रश्न ये आया है कि एडवांस नॉलेज को गीता ज्ञानामृत कहा जाता है, तो फिर इसमें जो है कृष्ण वाली आत्मा इंटरफियर क्यों करती है? हाँ वहाँ इंटरफियर बेसिक नॉलेज इंटरफियर नहीं करती थी। वो तो करती थी। बेसिक नॉलेज इंटरफियर करती थी, यहाँ भी इंटरफियर करती है क्या? बड़ी बात क्या है? लेकिन वो वहाँ निराकार का बच्चा था, यहाँ तो साकार का बच्चा है। बाप भी साकार में है, कृष्ण वाली आत्मा निराकारी स्टेज में है, आकारी स्टेज में। लेकिन वो फिर कब तक इंटरफेयर करती रहेगी? जब तक संपन्न चीज उनकी स्टेज धारण नहीं करेगी तब तक इंटरफेयर करती रहेगी। तो जब वो इंटरफियर कर रही है तब भी क्या इस एडवांस नॉलेज को सच्चा गीता ज्ञानामृत कहा जाएगा? इंटरफेयर कर रही है तो क्या नहीं कहा जाए? क्या वो स्टूडेंट नहीं है? माने स्टूडेंट अगर कोई नॉलेज को नहीं मानता है तो ज्ञान झूठा हो जाता है? है? नहीं। फिर और यहाँ मुख्य स्टूडेंट तो दो हैं, रामानी आत्मा जी तो स्टूडेंट है। एक का अंधे धतराष्ट्र का पार्ट है, एक का साकार में पांडु का पार्ट है। तो ज्ञान लेने में अंतर पड़ेगा ना? एक और प्रश्न ये है कि यहाँ द्वापर कलयुग में तो स्त्री और पुरुष दोनों के शारीरिक ताकत में फर्क होता है, स्त्री को अबला कहा जाता है, लेकिन बाप तो आकर के सबको समान बनाते हैं, तो सतयुग त्रेता युग में क्या स्त्री और पुरुष दोनों की शारीरिक ताकत भी एक समान होगी या अलग अलग होगी? बिल्कुल समान ही होती है, स्त्री पुरुष में थोड़ा अंतर रहता है कि वो रचना है, वो रचयिता है, फाउंडेशन संगम में पड़ता है, अंतर रहेगा जरूर, थोड़ा अंतर रहेगा। और इसलिए लक्ष्मी में जो थोड़ा छोटा दिखाया गया है, नारायण को बड़ा दिखाया गया है,
राधा को थोड़ा छोटा दिखाया गया है लक्ष्मी के चित्र में, कृष्ण को थोड़ा बड़ा दिखाया गया है। शारीरिक और मानसिक स्टेज जो है वो फाउंडेशन कहाँ पड़ता है उसका? फाउंडेशन पड़ रहा है। और एक अभी हाल में किसी बीकेस द्वारा प्रकाशित साकार मुरली में मैंने पढ़ा था कि सूर्यवंशियों की ड्रेस जो है पीतांबर होती है, तो इसका क्या बेहद में अर्थ है या स्कूल में ही वहाँ मतलब पीतांबर पीले रंग पीला रंग जो है वो बसंत ऋतु को दिखाता है, बसंत ऋतु का सूचक है। और बसंत ऋतु में चारों ओर पीला पीला रंग ही हो जाता है, पीले ही पीले चारों तरफ फूल दिखाई पड़ते हैं, तो पीला रंग होता है। और एक और इसी साल की मुरली में एक आया था कि जब बाप चला जाएगा तो तुम आंसू बहाएंगे, तो क्या बच्चों को ये पता पड़ जाएगा कि शिव बाबा चले गए हैं? धर्मराज का पाठ भी शुरू हो जाएगा तब पता पड़ जाएगा, नहीं चलेगा शिव बाबा के जाने के बाद? शिव बाबा के साथ धर्मराज नहीं बैठा हुआ है, अभी तो उसकी आंखें नहीं खुली हुई है, बंद आंखें करके बैठा हुआ है। हमने दशरास का पाठ वगैरह ठंडा ही बना रहेगा क्या? आंखें खुलेंगी नहीं खुलेंगी? ये दोस्त कौन है, दुश्मन कौन हमारा? तो ये निशानी होगी कि भाई शिव बाबा चले गए हैं। शिव बाबा तो प्यार का सागर है, 70 साल हो गए कोई बात है रिपीट करते करते, बच्चे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और बच्चे मान रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, मनमानी करते हैं, मनुष्य में चलते हैं। बाबा की बेइज्जती नहीं होती इससे? होती है, इसलिए बोला धर्मराज की मेरे साथ है। लेकिन एक अभी मुरली में मैंने देखा कि भी प्रजापिता को ही धर्मराज भी कहा गया है, प्रजापिता धर्म तो एक ही है, रामकृष्ण का जितना अलग अलग है, धर्म तो एक ही है। लेकिन पार्ट कृष्ण वाली आत्मा का है। और दुनिया में जो है चीन की दीवार को सबसे बड़ी दीवार माना जाता है, तो इसकी शूटिंग कैसे होती है? दीवाली किस लिए बनाते हैं? वो तो अपनी रक्षा के लिए मान के उन्होंने बनाया। हाँ, इसलिए मुसलमानों ने अपनी रक्षा के लिए ये दीवार मस्जिदों में सही करना शुरू कर दी। चीन वालों ने जो क्रिश्चियनिटी है और ये भी कहना बौद्ध बौद्ध हाँ नहीं हाँ उसको सुरक्षित करने के लिए दीवार खड़ी कर दी। चीन में भी सबसे पहले तो शुरुआत में मुसलमान धर्म ही था पहले, बाद में जो है बहुत बौद्ध धर्म बहुत है ना। हाँ जी, इस्लाम धर्म के बाद ही तो बौद्ध ही आए ना, बौद्धियों का धर्म ज्यादा फैल गया। और ये भी पढ़ने में आया है कि जापानी लोग भी स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं, लेकिन वो है तो विदेशी, अभी विदेशी है, तो फिर वो कैसे अपने को सूर्यवंशी मानते हैं? और भी एक दो देश हैं जहाँ मतलब अपने को बहुत ही लोग हैं, बहुत ही लोग हैं वो ज्यादा बुद्धिमान है, या इस्लामी किसी ज्यादा बुद्धिमान है? बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, बुद्धिमानों का देश है वो तो स्टेशन चीन ही है ना, चीन के पास जापान है, वो समुद्र से घिरा हुआ है, सागर से घिरा हुआ है, चीन के एक साइड में ही सामान है समुद्र है, लेकिन जापान तो चारों ओर से घिरा हुआ है समुद्र से। जापानी लोग चीन के लोग नहीं, जापानी लोग अपने को सुनने से करते हैं।
सूर्य निकलता है सूर्य दिशा से। ये माना भी जाता है कि भाई पहले जापान में सूरज उगता है। हाँ, सबसे पहले सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो जापान में पड़ती है, क्योंकि ईशान कोण से सूर्य उदय होता है। प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही है, शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही है। और एक और प्रश्न यह है कि त्रेता युग का नाम जो है संख्या के आधार पर क्यों पड़ा है, जैसे बाकी सब युग ने द्वापर युग के लिए कहा गया कि वो दो पुर जब से हो जाते हैं तो द्वापर हो गया, या कला कलेश का युग है तो कलयुग हो गया, सत्य का युग जो है सतयुग हो गया, तो वैसे त्रेता का किस आधार पर नाम पड़ा है? जो सत्युग की स्थापना होती है वो सिर्फ एक ही मत से होती है आदि की। तो सत्युग आदि का सोलह वाला संपूर्ण वाला जन्म है, और संगमिति जो स्वर्ण मेला है वो एक के डायरेक्शन के आधार पर होता है। फिर ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा के आधार पर चलने वाले काक नारायण और निकलते हैं, जो ब्रह्मा की गोद में पलते हैं, उस आधार पर वो शक्ति की स्थापना करती रहती है। फिर ये नारायणों का राज्य खत्म हो गया, नारायणों का राज्य पूरा होने के बाद फिर ये तीनों आत्माएं ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों की मत की शूटिंग शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की आत्मा की संस्थान पूरी कर लेती है त्रेता युग की शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग से पहले, और विष्णु की आत्मा भी साथ में है क्योंकि ब्रह्मा से विष्णु बनता है, और शंकर वाली आत्मा भी है, तो तीनों का मिक्स हो जाता है मत, इसलिए त्रेता कहा जाता है। और एक और प्रश्न डिस्कशन के आधार पर यह आया है कि मुरली में आया है कोई कोई आत्मा के 50 वर्ष कम हो जाते हैं, तो पहले तो ये समझा जाता था कि ये ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा के लिए कहा गया है कि 69 में शरीर छोड़ती है और फिर 2018 में जन्म ले लेगी करके पहले ये सोचते थे, लेकिन अब तो ये बताया जा रहा है कि भाई 2018 में उनका फुल जन्म नहीं होगा, तो फिर ये जो 50 वर्ष कम हो जाते हैं कहा गया है, तो ये किस आत्मा के लिए कहा गया है? उनके संस्कार कृष्ण वाली आत्मा के संस्कार और राम वाली आत्मा के संस्कार मिलकर के 18 में एक हो जाते हैं, माने विष्णु जो है वो 18 में प्रत्यक्ष होना है, तो दोनों आत्माओं के संस्कार भी मिलकर के एक होने हैं, तो जो संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो शरीर भी तो एक चाहिए पार्ट प्ले करने के लिए, तो एक ही शरीर है 18 के बाद। राम वाली आत्मा भी बीज रूप स्टेज में, कृष्ण वाली आत्मा भी बीज रूप स्टेज में, दोनों द्वारा पार्ट चलता है। तो ये जो कहा गया है इसलिए कंबाइंड बाप दादा कहा जाता है, राम वाली आत्मा भी कंबाइंड है, कृष्ण वाली आत्मा भी कंबाइंड है, तुम बच्चे दोनों को अलग अलग करेंगे वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे, लड़ाई लड़ते हैं राम कृष्ण काल में तो दो को नहीं लेने देते। तो ये जो कहा गया है 50 वर्ष कम हो जाते हैं ये कृष्ण वाली आत्मा के लिए ही कहा गया है, और भी आत्माएं हैं, कोई कृष्ण वाली आत्मा अकेली थोड़ी है। और एक प्रश्न ये बीके इन्फो पे विदेशियों द्वारा बार बार ये पूछा जाता है कि पहले तो मुरलियों में आता था 500 करोड़, फिर अब जो है जनसंख्या हो गई है 700 करोड़ तक, तो उसका हमने तो एडवांस नॉलेज के आधार पर ये बताया कि भाई जो 200 करोड़ हैं वो मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्माएं नहीं है, वो मच्छरों सदृश वापस जाने वाली आत्माएं हैं, तो उनको इस बात से बुरा लगता है कि भाई जो अभी 700 करोड़ आत्माएं हैं उनमें से आप 200 करोड़ आत्माओं को मच्छरों सदृश बोल देते हो, है नहीं है जी, भगवान को पहचानती है क्या?
भगवान की ज्ञान को स्वीकार करती है क्या? स्वीकार तो नहीं करती। तो नहीं करती तो मच्छर सदस्य, लेकिन अभी जो मनुष्य तो नहीं है, कम से कम जानवर हुए। लेकिन वो कहते हैं कि वे जो जो कहते हैं वो पहले ये पक्का करें कि हम वो ही कीड़े मकोड़े वाली आत्मा है, ये कैसे साबित करेंगे? वो नेगेटिविटी हम अपने अंदर लाते क्यों है? वो ये क्यों नहीं सोचते कि हम तो सत्य उतरेता की आत्मा है? वो ये कह रहे हैं कि आप हमारा अपमान कर रहे हो। अपमान की बात तो तब पैदा होती है जब तुम पहले ये साबित करके दिखाओ कि हम यही आत्मा है। अरे रामकृष्ण वाली आत्मा भी तो अभी साबित नहीं कर पा रही है अपने को, जगदम्बा वाली आत्मा भी अपने को साबित नहीं कर पा रही, सात नारायण भी सारा ज्ञान प्रत्यक्ष होते हुए भी अपने पार्ट को अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे। तुमको अपनी आत्मा का ज्ञान कैसे हो गया कि हम लास्ट वाली आत्मा है? वाह भैया जबरदस्ती है, अपमान ठोकने वाली बात है। पहले अपने को साबित तो करो कि हम लास्ट वाली आत्मा है। साबित किया नहीं और ऐसे ही जबरदस्ती हमारा अपमान कर दिया। और एक और प्रश्न ये है कि भक्ति मार्ग में कई ऐसे हैं, उन आत्माओं को तो अपनी अनुभूति तब होगी जब 500 करोड़ को अनुभूति हो जाएगी अपने स्वरूप की। बाकी 200 करोड़ दुनिया में भी जो बड़े भाई होते हैं छोटे भाइयों थपड़ाते रहते हैं, अपमान हो गया ये? थपड़ाते रहते हैं नहीं गलती करते हैं तो फिर बड़ा भाई बाप समान का आ जाता है, अपमान महसूस हो रहा है, कर्म ऐसे करो बड़े भाई बनो। एक और प्रश्न ये कि भक्ति मार्ग में कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल दिल से भक्ति करते हैं नियम पूर्वक, और उनकी धारणा भी बहुत अच्छी है। जैसे कई हैं जो बिल्कुल मतलब अमृत वेला उठ के मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं, जबकि ज्ञान में चलने वाले कई ऐसे हैं जो ना अमृत वेला करते हैं ना क्लास करते हैं, ना ही उसकी धारणा अच्छी है। तो दोनों में से किनको अच्छा कहेंगे? वो भक्ति वालों को या तुरंत के उतरे हुए परम धाम से नीचे आए हैं वो सतो प्रधान होंगे, जो 5000 वर्ष पहले नीचे आए थे सृष्टि पर वो सतो प्रधान होंगे, जो अभी अभी आए हैं। प्रश्न खत्म हो गया, किसको श्रेष्ठ कहेंगे आप? जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष पहले नीचे उतरे थे और देवता थे, सोलह कला संपूर्ण थे, वो ऊंचे हैं, या जो ये अभी अभी कर रहे हैं, अभी अभी भक्ति कर रहे हैं, दिव्यारी भक्ति कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ है? किसको श्रेष्ठ कहेंगे? अभी के हिसाब से प्रश्न करने वालों की आत्म की स्थिति रहती नहीं है, आत्म स्वरूप में दूसरों को देखते नहीं है, देवान में रह करके प्रश्न कर रहे हैं, सारे उल्टे उल्टे प्रश्न आते हैं। और किसी टीवी ने प्रश्न पूछा है कि एक VCD 287 में कहा गया है कि झूठे लेना झूठे देना झूठे भोजन झूठे चबाना झूठे बहना, तो क्या इसकी शूटिंग बीज रूपी दुनिया में भी होगी? क्यों नहीं होगी? बीज रूप में जो नहीं होगा वो दुनिया में भी नहीं होगा, जो बीज रूप में होगा वो सारी दुनिया में होगा। अच्छे कच्चे देखना हो तो यहाँ देखो, बुरे से बुरे देखना हो तो यहाँ देखो। उनका ये प्रश्न है कि जब शिवबाबा यहाँ डायरेक्ट पालना दे रहे हैं तो शिवबाबा डायरेक्ट पालना दे रहे हैं तो शिवबाबा के बच्चे जो है अच्छे बुरे नहीं होते? शिवबाबा के स्टूडेंट अच्छे और बुरे दोनों तरीके के नहीं होते? स्टूडेंट अच्छे से अच्छे भी होते हैं, खराब से खराब भी होते हैं, बच्चे अच्छे से अच्छे भी होते हैं, खराब से खराब भी होते हैं। तो सारी दुनिया के जब बीज हैं तो बीजों में तो हर प्रकार के बीज चाहिए ना। एक
एक और प्रश्न ये है कि बाप टीचर सद्गुरु तीनों का पार्ट एक ही रथ द्वारा चलता है, ये ऐसा मुरली में आया है, लेकिन क्या यह एक ही समय पर चलता है या अलग अलग समय पर चलता है? अलग अलग भी होगा ना, टीचर का पार्ट 76 से पहले था क्या? एक समय कैसे हुआ? तो क्या ऐसा भी एक टाइम आएगा संगम युग में जब ये तीनों पार्ट एक साथ भी बजाए जाएंगे? बाप तो चला जाएगा, ये भी तो टाइम होगा है? टीचर का काम भी पूरा हो जाएगा, पढ़ाई पूरी हुई ना, भाव आ जाए सतगुरु का ही काम है। और एक और प्रश्न, मुझे ऐसा लगता है कि आत्माओं को थोड़ा थोड़ा आभास होता जा रहा है, किस कस्म की किस्म की आत्मा है? पक्की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, लेकिन अंदर से बिना प्रूफ और प्रमाण के भी स्वीकार कर रहे हैं पूर्व जन्मों के संस्कार हो गया था। और एक और प्रश्न ये आया था कि यदि राम वाली आत्मा ही संगमयुगी कृष्ण और संगमयुगी नारायण है तो राम वाली आत्मा कहाँ है? राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा रहती है, बाप का ही पार्ट हो जाती है अंत तक, मनुष्य सृष्टि का बाप तो एक ही रहेगा, या वो कृष्ण बन जाएगा? शरीर है एक, बाप दादा का शरीर एक है, लेकिन आत्मा पार्ट बजाने वाली दोनों अलग अलग है। तो संगम योगी कृष्ण अलग है, संगम योगी नारायण, कृष्ण की आत्मा अलग है, पर्सनालिटी एक है लेकिन आत्माएं अलग अलग है पार्ट प्ले करने वाली। लेकिन ऐसे नहीं कि प्रजापिता वाली आत्मा और शिव की आत्मा दोनों का पार्ट अलग अलग नहीं है, संगम योगी एक ही पार्ट है या अलग अलग पार्ट है? अलग अलग पार्ट अलग अलग है लेकिन शरीर एक, शरीर एक ही है। ऐसे ही कृष्ण वाली आत्मा भी ऐसी बीज रूप स्थिति धारण कर लेगी कि उसी साकार शरीर से पार्ट बजाती है, राम वाली आत्मा भी उसी साकार शरीर से पार्ट बजाती है। तो कृष्ण वाली ये आत्मा ही संगम युगी कृष्ण का भी पार्ट बजाएगी? आत्मा तो एक ही है, शरीर है, शरीर तो एक ही है, आत्मा है दो। और राम वाली आत्मा संगम की नारायण बनेगी? तो उनका ये प्रश्न है कि जब संगम की नारायण मतलब राम वाली आत्मा को संगम की नारायण बनना है तो फिर आदि में जो है शिव ने कृष्ण वाली आत्मा को नारायण का साक्षात्कार क्यों करवाया? जो पवित्र आत्माएं होती हैं उनको साक्षात्कार कराया जाता है, या जो चाणी बुद्धि वाली होती है उनको साक्षात्कार कराया जाता है? पवित्र आत्मा। तो राम कृष्ण दोनों आत्माओं में से महात्मा कौन है, सच्चा बुद्धि कौन है? कृष्ण वाली आत्मा है। ज्ञानी को आत्मा है उनको साक्षात्कार की क्या दरकार? ज्ञानी को आत्मा साक्षात्कार के ऊपर विश्वास करेगी? स्वप्न और साक्षात्कारों की बातों को तो वो लोग मानते हैं जिनका अंधश्रद्धा अंधविश्वास ज्यादा चलता रहा है तेरे जन्म में। और एक और प्रश्न ये आया कि कई संदेशों में ये आता है 1969 के बाद जो संदेश आए हैं गुलजार दादी के द्वारा या दूसरे संदेशों के द्वारा कि सूक्ष्म वतन में हमने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को देखा तो ब्रह्मा बाबा तो दादा लेखराज हो गए और शिव बाबा को देखा तो वो किस स्वरूप को देखते हैं? वो आदि के स्वरूप को ही देखते हैं, आदि में जो प्रजापिता का पार्ट नीचे आदि भूल जाता है क्योंकि उनका जन्म जन्मांतर का कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए भूल जाता है।
ब्रह्मा बाबा याद बना रहे थे जो साक्षात्कार करने वाले हैं या सूक्ष्म बदन में जाने वाली आत्माएं हैं और उनका वो कनेक्शन कोई का राम की आत्मा के साथ ज्यादा जन्मों का कनेक्शन है, कोई कृष्ण की आत्मा के साथ ज्यादा कनेक्शन है, कोई ऐसी भी है जिनका दोनों के साथ कनेक्शन है। और 29/10/99 की एक मुरली में कहा गया है कि बाप क्रिएटर डायरेक्टर और मेन एक्टर हैं, तो ये तीनों किस पर लागू होता है? क्रिएटर किसको कहा जाता है? हिंदी में क्रिएटर रचयिता को कहा जाता है। जो रचयिता होता है वो साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। रचयिता भी साकार और रचना भी साकार, तो ये तीनों साकार पर ही लागू होते हैं। डायरेक्टर भी, डायरेक्टर पढ़े भी पीछे काम करता है, तो दुनिया की नजरों में तो बाप सामने नहीं आ रहे। मुख्य एक्टर हीरो को कहा जाता है, हीरो तो हीरो पाठधारी तो शिव को थोड़ी कहेंगे, हीरो पाठधारी तो ऑलराउंड पार्ट में जाता है, हर युग में पार्ट बजाना चाहिए, हर सीन में होना चाहिए। तो हम जैसे कि आत्माओं को भी हीरो हीरो का पार्ट दिया जा सकता है। और एक और मुरली में ये आया है कि गौमुख से सच्ची गीता सुनाते हैं, तो गौमुख किसको कहा जाएगा? क्योंकि ज्ञान तो सुनाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही, पुरुष मुख के द्वारा ही, तो फिर गौमुख किसको कहा जाता है? लेकिन जो प्रजापिता के द्वारा या शंकर के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाता है वो पुरुष मुख है या स्त्री मुख है? पुरुष मुख है। लेकिन मुरली में क्या बोला है, किसके मुख से मुरली अच्छी लगती है? कन्या माताओं के मुख से। कन्या माताओं के मुख से। और रिजल्ट में क्या देखने आ रहा है कि एडवांस नॉलेज जो है उसकी ओरिजिनली जो शुरुआत है किस मुख से की जा रही है? स्त्री मुख से। स्त्री मुख से काम हो रही है एडवांस नॉलेज शुरुआत है। शुरुआत 76 में तो पुरुष मुख के द्वारा ही हुई है। अभी भी तो पुरुष मुखी है, तो पुरुष मुख तो सफल नहीं होगा। क्यों? सब पुरुष मुख दुर्योधन तो सफल। तो इसलिए विजय माला निकलनी चाहिए और रुद्र माला की मुखी अभी निकलनी चाहिए। दोनों ही गौ हैं, लेकिन उनमें शिव की प्रवेशता तो नहीं होती है ना। शिव की प्रवेशता क्यों होगी? ज्ञान सुनाएंगे लेकिन शिव की ज्ञान सुनाने के लिए शिव की प्रवेशता जरूरी है? जो सीधा कच्चा साफ दिल आदमी होगा वो दूसरे की कई भी बात नमक मिर्च मिला करके सुनाएगा या सीधी साधी बात सुना देगा? सच्ची बात सुना देगा। तो गौ नाम क्यों दिया गया? सीधी साधी होने के कारण। सीधी साधी होती है, स्वभाव संस्कार सीधे साधे हैं, तो जैसा सुना है वैसा ही सुना है। नहीं तो एडवांस नॉलेज में बड़ी मम्मा के अलग हो जाने के बावजूद भी जो एडवांस नॉलेज की कैसेट बड़ी माँ के द्वारा चलाई गई है वो अभी भी स्वीकृत क्यों है? सच्चे दिल से सुनाई उन्होंने, सच्चे दिल से सुनाई गई है। जो कुछ सुनाया, जो बाबा ने सुनाया वैसा ही वो उन्होंने सुनाया। एक दो बात कहीं अंश मात्र कहीं मिक्स हो गई हो तो बात अलग है, क्योंकि एक की एक मुख की बात सुनी हुई दूसरे मुख में जाती है, कुछ तो अंतर पड़ जाता है, लेकिन वो अंतर वो दूसरी आत्माएं पकड़ नहीं सकती सिवाय बात को। और एक और मुरली में बात आई है कि गीता फैमिली प्लानिंग का शास्त्र है, तो ये कैसे होता है? जब सच्ची गीता निकलेगी, गीताएं दो हैं, एक भगवान की बनाई हुई गीता और एक है मनुष्यों की बनाई, मनुष्यों की छाप जिस पर पड़ जाती है वो झूठी गीता।
उन दोनों का नाम भक्ति मार्ग में दिया है महागौरी और महाकाली। तो महाकाली है वो सारी सृष्टि का विनाश करने की निमित्त बनती है। तब बनती है जब विजय माला की हैड निकलती है और वो गौमुख द्वारा ही निकलती है। वो गौमुख पत्थर का दिखाया गया है मन, जैसे शिवलिंग पत्थर बुद्धि हो जाता है वैसे गौमुख भी जब तमो प्रधान बनता है तो क्या हो जाता है पत्थर का पत्थर बुद्धि हो जाता है। और एक और प्रश्न ये उठाया जाता है कि वे बीवी के अपने को कहते तो बीवी के हैं लेकिन उसका उसकी निशानी दो उन्होंने बताई है कि एक तो सभी ये स्वीकार करें कि भाई प्रजापिता यही आत्मा है तो अभी तक तो सभी ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया कि निश्चय पत्र में क्या लिखा हुआ नाम किसका दिया हुआ तो बाप के घर में जाके पैदा होता है या बिना बाप के घर में जन्म लिए ही बच्चा कहा जाता है जब पैदा होता है तो सारी विश्व की आत्मा है बाप के घर में जाकर के एडवांस कोर्स लेंगे बच्ची करेंगी फिर बच्चे किस बात के। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि वे जब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो फिर 100% जो है उनकी दृष्टि भी पवित्र होनी चाहिए लेकिन तो कोई बात नहीं है कि जब शिव बाबा प्रवेश कर रहा है प्रजापिता में तो 100% पवित्र बुद्धि होनी चाहिए पवित्र वृत्ति होनी चाहिए पवित्र कर्मेंद्रिया होनी चाहिए फिर तो पुरुषार्थ करने की बात ही खत्म हो जाती। भगवान के बच्चे हैं तो ऐसे होने चाहिए वैसे होने चाहिए तो ज्ञान सुनाने की बात ही नहीं है। लंबा 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 कई कई साल तक ज्ञान सुनाने की क्या दरकार है वो तो पक्के हो गए भगवान के बच्चे बन गए ना ठीक। भगवान के बच्चे भगवान की पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ेंगे धारण नहीं करेंगे पुरुषार्थ करेंगे कि नहीं करेंगे एक और प्रश्न ये आया है कि क्या ऐसा हो सकता है कि गुलजार दादी के द्वारा जब अव्यक्त वाणी चल रही हो और उसी समय क्लैरिफिकेशन मुरली भी चल रही हो तो ऐसे में ब्रह्मा की सोल तो एक ही स्थान पर नहीं हो सकती है क्योंकि क्लैरिफिकेशन ये क्या बात है। ब्रह्मा की सोल जो है जब वहाँ वाणी चलेगी गुलजार दादी की उसी समय उसका क्लैरिफिकेशन दूसरी जगह कैसे हो जाता है वाणी तो कम से कम एक दिन तो लग जाता है आने में। जैसे उसी मोमेंट छपके आने की भी बात नहीं चलो इंटरनेट से ही आ जाए तो भी टाइम तो लगेगा एकदम तो नहीं आ जाती है। और एक बात जो है अभी अभिकवाणी में पिछले साल भी आई थी और इस साल भी फिर अभी जो पहली अभिकवाणी चली है उसमें भी रिपीट हुआ है कि फिर भी बाप दादा दोनों को समाने का पाठ बच्ची ने अच्छा बजाया है तो इस पॉइंट को लेके जो है पिछले साल भी आया था ये पॉइंट तो उसको लेके बीके वाले कह रहे हैं कि भाई आप तो कहते हो गुलजार दादी में शिव बाबा नहीं आते हैं लेकिन यहाँ तो बार बार ये बाबा अब एक बाप दादा कह रहे हैं कि भाई गुलजार बच्ची ने जैसे बाबा हाँ वो समझ लिया जैसे बाबा बोलते हैं कुमार का जैसे बाबा बोलते हैं जगदीश भाई जैसे बाबा बोलते हैं रमेश भाई तो ये हद के रमेश भाई गुलजार ये हद के हैं या बेहद के हैं ये दुनिया को बोले गुलजार करके दिखाएंगे
नहीं वो जो है नहीं ऐसे नहीं बिल्कुल बात हुई, गुलजार नाम रख देने से गुलजार थोड़ी हो जाएगा। गुलजार को उसे कहा जाता है जो दुनिया को बोले गुलजार करके दिखाए, अपने जीवन काल में सर के गेट खोले। तो गुलजार उनके लिए लागू नहीं होता है, गुलजार लागू होता है रामकृष्ण की आत्माओं को, जिस महाकाली ने अपने अंदर धारण करके दिखाया हुआ है। अभी भी दोनों आत्माएं स्मृति चक्र में घूम रही है, ब्रह्मा कुमारी या राम वाली आत्मा को याद करेंगी करेंगी नफरत करती है। और एक और बात यह कि अभी प्रकाशवाणी दादी के गुजर जाने के बाद जो है शांतिवन में उन्होंने एक शक्ति स्तंभ खड़ा कर दिया है, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए शांति स्तंभ खड़ा किया था। तो उसमें जो है एक खास बात देखने में आई है कि आज तक जितने भी ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में शिव बाबा की जो लाइट होती है वो लाल कलर की होती है, लेकिन ये जो शक्ति स्तंभ है इसमें जो है जो स्तंभ के ऊपर जो लाइट बनाई है वो हरे कलर की बनाई है, हरे कलर का कोई पत्थर जड़ा हुआ है, लेकिन अच्छा बनाया है ग्राम अनुसार, ठीक बनाया है। जो विषयी रंग होते हैं विषैले रंग, वो तीन ही होते हैं, या तो नीला या तो काला या हरा। सर्प के मुंह में से जो भागनाथ के सर्प होते हैं ना, उनके मुंह में से जो विष निकलता है वो भी तीन रंगों का होता है, या तो हरा या तो नीला या तो काला। झाड़ चित्र में इब्राहिम बैठा हुआ दिखाया गया, उसकी पोशाक कैसी दिखाई गई? हरी दिखाई गई। क्यों, क्या दिखाने के लिए हरी पोशाक दिखाई? और दूसरे धर्म के काम की ऐसी पोशाक क्यों नहीं दिखाई? उल्टा ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, दिखेला ज्ञान सुनाते हैं। कुमार का राजी ने कन्याओं को सरेंडर किया और कन्याओं को सरेंडर करने के तुरंत बाद भाइयों को सौंप दिया, जाओ इनकी परवरिश करो, इनकी रक्षा करो, इनके पति बनो, और पति बन के बैठे हुए हैं। जब पुलिस आक्रमण घुस घुस करके वो सारे सवारा पकड़ेगी तब ये सारी बातें आउट होंगी। किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। अभी तो खुला के फरक्काबाद चल रहा है, उसके ऊपर दुनिया भर के दोष मढ़े जा रहे हैं। अभी तो वो एडवांस पार्टी वालों के ऊपर लांछन लगाते हैं कि ये पतित है पतित है, लेकिन अभी अभी हाल ही में वो बीके इन्फो पर किसी ने जानकी दादी का एक लेटर लेकिन उसका प्रूफ तो छप गया है ना बाबा, दो तीन मैगजीनों में वो फोटो छपा है, कलर फोटो, जिसमें वो हरा कलर नजर आ रहा है। और मैंने एक दो बीके से पूछ के कंफर्म भी कर लिया, तो उन्होंने कहा वो पत्थर है, हरा पत्थर के क्षेत्र है ना, शिवरी के क्षेत्र में जो दुशासन द्रौपदी को दलन कर रहा है, उधर चूड़ीदार पैजामा और अचकन जो दिखाई गई लोग पहले जल्दी साड़ी पहनते थे, तो जैसे ही एडवांस पार्टी में ये पॉइंट निकला तो उन्होंने पत्र चेंज कर दिया, तो पीला कुर्ता और सफेद धोती वाला दिखा दिया। तो सारे चित्र ही चारों चित्र चेंज कर दिए। गिरमिट की तरह रंग बदलते हैं। बीके इन्फो साइट पर अभी हाल ही में किसी ने जानकी दादी का एक ईमेल जो है उस पर पब्लिश कर दिया था, तो उसमें ये समाचार जानकी दादी ने सारे बीके सेंटर्स को ये ईमेल भेजा था कि 16 अक्टूबर को दादी मनोहर जो है वो कोमा में चली गई हैं, जिनका जिक्र मुरलियों में भी आता रहता है मनोहर दादी का। तो उन्होंने उसमें ईमेल में सभी बीके सेंटर वालों को ये कहा कि दादी के प्रति प्यार के प्रूफ के तौर पर हम उनको योग द्वारा प्रकाश दें, मनोहर दादी को। हाँ, वो जैसे प्रकाशमणि दादी के लिए कहते थे कि भी योग लगाओ, वैसे अभी मनोहर दादी के लिए भी कहने लगी कि भी प्यार के प्रूफ के तौर पर उनके लिए योग लगाएं, सभी सेंटरों पर सामूहिक योग करें। तो ये तो श्रीमद के विरुद्ध हुआ कि किसी एक आत्मा के लिए पर्टिकुलरली हम योग लगाएं,
लगाव झुकाव कैसे साबित होगा? अगर ये बात घोषित नहीं करेंगे तो लगाव झुकाव साबित कैसे होगा कि दादियों का दादियों के साथ लगाव झुकाव है? दुनिया की और आत्माओं के साथ नहीं है? अच्छा ही है। फिर योग वाली बात जो है वो तो योग उनका साबित ही नहीं होता। किससे योग? उनका योग है कहाँ? जिंदगी को याद करना को योग होता है? किसके साथ योग किया? बिंदी कौन सी बिंदी? बिंदी का तो पता नहीं चलता। फिर पता नहीं चलता फिर योग कहाँ हुआ? किस आत्मा के साथ लगन हुई? लगाव कहाँ सूचित हो रहा है? सर सब जगोतला है। अब ये लेटर जब उसमें वेबसाइट पे डाल दिया गया तो विदेशी तो पहचान गए कि भी एक तरफ से तो ये कहते हैं एक बाप, दूसरा ना कोई, दूसरी तरफ कहते हैं कि भी इस जाति के लिए योग करो, उस जाति के लिए योग करो। फिर तो फिर जो है वो एक बाप दूसरा ना कोई कैसे हो जाएगा? फिर तो कहते कुछ है और करते कुछ है। तो ये आप पता चला विदेशी हो? पहले तो भक्ति मार्ग की तरह फॉलो कर रहे थे ना उनको, तब से पता नहीं चला, तब उन तक पहुंचा नहीं था ना। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ऐसे भगवान की बात नहीं मानते जो मुरलियों से साबित हो रही है।